शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया कॉलोनी में मंगलवार की रात एक महिला के साथ का सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मंगलवार की रात को ही युवती हड़वा फाटक चौकी पर गई थी और चौकी इंचार्ज ब्रजेश यादव ने बयान भी लिया, लेकिन कार्रवाई करने की जगह मामले को रफा दफा करने में जुट गए। बुधवार को SSP जोगेंद्र कुमार को मामले की जानकारी हो गई और वह खुद शाहपुर थाने में पहुंच गए। पीड़िता और उसके घर वालों से बातचीत के बाद तहरीर के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज करने का आदेश दिया। नाराज SSP ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को सस्पेंड कर दिया। SSP जोगेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला को शेल्टर हाउस भेज दिया गया और तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP जोगेंद्र कुमार ने कहा, थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत हड़ुआ फाट चौकी का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। जैसे ही हमारे नॉलेज में आया मामला, मेरे द्वारा SP सिटी, SP क्राइम और SHO महिला थाना के साथ घटनास्थल का विजिट किया गया। मामले को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को बुलाया गया और उनके साथ जो संरक्षण अधिकारी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, वो डॉक्टर सुमन शुक्ला, इनको पीड़िता के लिए सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया गया। वन स्टॉप सेंटर से श्रीमती पूजा पांडे, जो केंद्र प्रबंधक है वन स्टॉप सेंटर की, महिला कल्याण विभाग की, उनको भी बुलाया गया। पीड़िता के बयान डॉक्टर सुमन शुक्ला, जो संरक्षण अधिकारी है, और SHO महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर, केंद्र मैनेजर श्रीमती पूजा पांडे के द्वारा लिया गया। उसकी बयान और मदर की तहरीर के आधार पर धारा 342, 306 डी और पॉस्को एक्ट में FIR पंजीकृत की गई है। घटना कल रात की है। कल सायंकाल में रात्रि लगभग 11 बजे चर्चिल अधिकारी आफ्ताब आलम और आशीष नाम के व्यक्ति इस पीड़िता को लेकर के हड़ुआ फाटक चौकी पर गए थे और उन्होंने एक वहां वीडियो भी बनाया, लड़की का, पीड़िता का वीडियो भी बनाया। इसके बाद चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल जो वहां तैनात थे निगरानी पे, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौकी इंचार्ज और जो कांस्टेबल तैनात थे धर्मेंद्र, उनके द्वारा महिला उत्पीड़न के अपराध पर कोई तत्काल विधिक कार्रवाई नहीं की जाने के लिए दोनों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध 166A की FIR पंजीकृत की जा रही है। पीड़िता द्वारा जिस लड़के का नाम बताया गया है, एक लड़के का नाम बताया गया है जिसने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, उस लड़के को हमने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। पीड़िता के बयान के आधार पर FIR पंजीकृत की गई है, मेडिकल कराया जा रहा है और 166 का बयान जल्दी ही कराया जाएगा। साथ ही पीड़िता का वीडियो वायरल किया गया है, जो लोग चौकी पे इसको लेके आए थे, तीन लोग, उन्होंने वीडियो बनाया और इसको आज सोशल मीडिया पे वायरल किया, लड़की का चेहरा दिखाते हुए, पीड़िता का चेहरा दिखाते हुए, और इस पहचान को उन्होंने उजागर किया है। इस पर भी विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।